दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप जो है, जो भी आपको मैसेज करे उसका रिप्लाई वो खुद ही कर दे? दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप मोबाइल फोन के अलावा जो आपका लैंडलाइन नंबर है उस पे भी आप व्हाट्सएप को वेरीफाई कर दें? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक ही मोबाइल फोन में विदाउट एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप व्हाट्सएप के दो अकाउंट जो है वो मुख्तलिफ दो नंबर्स के साथ इस्तेमाल करें? दोस्तों, अगर आपका कोई खुद का बिजनेस है या आप ऑनलाइन काम करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर जो है वो आपके साथ रابطे में रहे और आपकी वेबसाइट के बारे में, आपका जो नंबर है व्हाट्सएप उसके बारे में तमाम डिटेल जो है उनको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाए, तो ये वीडियो जो है ये एंड तक देखते रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू रिक साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं तो कभी ना कभी आपने व्हाट्सएप बिजनेस का तो सुना होगा। अगर आप प्ले स्टोर ओपन करते हैं और यहाँ पे आप सर्च करते हैं व्हाट्सएप बिजनेस, तो आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन मिल जाएगी जो कि व्हाट्सएप की ही प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली व्हाट्सएप की बजाय यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस लिखा है। अब इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पे काफी ज्यादा ऐसे दोस्त होंगे जिनको पता होगा कि ये एप्लीकेशन क्यों है और इसका काम क्या है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस के फायदे नहीं जानते या इस एप्लीकेशन के फायदे नहीं जानते तो ये वीडियो एंड तक देखते रहे। अब यहाँ पे नॉर्मल व्हाट्सएप के साथ मसला क्या था? अगर आपका अपना बिजनेस है और आप कस्टमर के साथ रابطे में रहते हैं, उनके साथ कोई भी आपने डील करनी है या कुछ प्रोडक्ट जो है उनको आपने बेचनी है, तो आपका जो नॉर्मल व्हाट्सएप जो है, जो आपका पर्सनल है, जाहिर सी बात है आप उस पे रابطा नहीं करेंगे। लेकिन इस व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आप नॉर्मली व्हाट्सएप में नहीं करते। फ्रेंड्स, मैंने इस एप्लीकेशन को पहले ही डाउनलोड किया है, आप भी प्ले स्टोर से व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो इंस्टॉल कर लें। चलिए हम इसको ओपन करते हैं और जानते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसी जबरदस्त किस्म की फीचर है। फ्रेंड्स, जैसे ही हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल नॉर्मली जो व्हाट्सएप है उसी की तरह होगा। तो आपने यहाँ पे राइट साइड ऊपर जो तीन डॉट्स ही बनी है इनके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सेटिंग्स में आ जाए। उसके बाद हम यहाँ पे बिजनेस सेटिंग्स पे क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पिक्चर जो है वो शो हो जाएगी। अगर आप अपने काम के बारे में या कोई भी आपका बिजनेस है उसके बारे में जो लोगो वगैरह या कोई भी यहाँ पे तस्वीर लगाना चाहते हैं तो वो लगा लें। उसके बाद आपको यहाँ पे एक एडिट का बटन जो है वो शोर होगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। ओके, तो यहाँ पे ऊपर आ गई डिस्प्ले पिक्चर। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस एड्रेस और आपका जो भी बिजनेस एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद सेट लोकेशन ऑन मैप। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर जो हैं, जो आपकी शॉप पे आना चाहते हैं या जो भी आपका काम है वहाँ पे लोकेशन पे आना चाहते हैं, तो गूगल में आप अपने काम के बारे में जो भी जगह है उसकी लोकेशन आप डायरेक्टली यहाँ पे सेट कर सकते हैं और जितने भी कस्टमर्स हैं वो गूगल मैप के जरिए आपके पास आ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लें कि आपका काम जो है वो किस बारे में है, एजुकेशन के बारे में है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई भी प्रोफेशनल काम है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। अगर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे अदर पे क्लिक कर दें। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डिस्क्रिप्शन। फ्रेंड्स, आप अपने काम के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में जो भी डिटेल है वो तमाम की तमाम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद बहुत ही अहम ऑप्शन जो है वो है बिजनेस आवर्स। आपकी जो शॉप है या आपकी जो मार्केट है या कोई भी आपका काम है वो कब तक, कितने दिन या उसकी टाइमिंग क्या है, कब तक वो शॉप जो है वो खुली रहेगी, या आप कोई भी ऑनलाइन जो है वो काम करना चाहते हैं और कोई भी कस्टमर आपके साथ रابطہ करना चाहता है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें। अगर आपके साथ कोई भी रابطہ करना चाहता है तो वो या तो सिलेक्टेड आवर्स में आए या हमेशा आपके साथ रابطہ कर सकता है या उसको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, टाइम लेना पड़ेगा आपसे बात करने के लिए। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लें। तो आप सिलेक्ट कर लें कि आप कौन कौन से दिन को काम करते हैं, कौन से दिन को आपकी शॉप या ऑनलाइन बिजनेस जो भी है वो बंद रहेगा, ताकि जो भी कस्टमर आपके साथ रابطہ करना चाहते हैं उनको पता होगा। उसके बाद हम वापस बिजनेस सेटिंग्स में आ जाते हैं और यहाँ पे हम सेकंड जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको वो तमाम मैसेज जो है वो मिल जाएंगे जो आपने भेजे हैं, जो आपको मिले हैं, जो आपने रीड कर लिए हैं या कोई मैसेज जो आपको रिसीव हो चुके हैं। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है शॉर्ट लिंक। दोस्तों, शॉर्ट लिंक में एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, उसमें आपने व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो क्रिएट किया हुआ है, तो व्हाट्सएप बिजनेस आपके मोबाइल फोन का एक लिंक जो है वो क्रिएट कर देगा। तो वो लिंक अगर आप किसी को भी सेंड करते हैं या उसका एक QR कोड जो है, क्विक रिस्पांस कोड जो है वो बनाना चाहते हैं ताकि लोग स्कैन करके आपके साथ रابطہ कर लें,
तो वो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और भी बहुत ही कमाल की चीज है कि आपको पता होगा कि नॉर्मली व्हाट्सएप में हम जस्ट मोबाइल फोन जो है उसके जरिए ही हम कोई भी अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस में आपका जो लैंडलाइन नंबर है उसके जरिए भी आप यहाँ पे अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि उसको हम वेरीफाई क्या करेंगे कि अगर उसके ऊपर मैसेज नहीं जाता तो यहाँ पे आपके पास कॉल का ऑप्शन भी होगा। आप वहाँ पे कॉल करके जो भी कोड आपको वहाँ पे सुनाई देगा वो आप यहाँ पे इंटर कर दें, तो आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो लैंडलाइन नंबर पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अवे मैसेज। चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने काम पे बिजी हैं या कोई और काम कर रहे हैं या आप सो रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई भी आपके साथ रابطہ करे तो आपका व्हाट्सएप जो है वो जो कि व्हाट्सएप बिजनेस है वो खुद ही उसको रिप्लाई करे, तो यहाँ पे आप वो सेटिंग्स कर सकते हैं। मतलब जो एक ऑटो रिप्लाई होता है, जैसे आप अवे हैं और आप चाहते हैं कि कोई भी मैसेज आप क्रिएट कर दें कि जब भी कोई रابطہ करे तो उसको वो मैसेज शो हो जाए। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको ऑन करते हैं जो कि ऑटोमेटिकली रिप्लाई है, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी मैसेज जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो एक मैसेज आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा जो कि अवे मैसेज है। हेलो, थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी आर नॉट हियर राइट नाउ बट वी विल रिस्पोंड एज सून वी रिटर्न। तो इसको आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ग्रीटिंग मैसेज पे क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से ऑन कर देते हैं तो जो भी आपको फर्स्ट टाइम मैसेज करेगा या 14 दिन बाद आपको मैसेज करेगा तो उसको यहाँ पे आपका जो ऑटो मैसेज है वो मिल जाएगा। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो रहा है वो है क्विक रिप्लाइज। अगर आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं और प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी आप कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट करें अपने कीवर्ड से, उसके बाद एक शॉर्टकट और उसके बाद मैसेज जो आपने सेंड करना चाहते हैं कि जब भी आप किसी को क्विक रिप्लाई जल्दी में रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप जस्ट एक बटन जो है वो कीबोर्ड से प्रेस करें और उसके बाद जो क्विक जो मैसेज है जो आपने लिखा हुआ है वो उसी टाइम जो है उसको सेंड हो जाएगा या आप उसको खुद सेंड कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप बिजनेस का ये फायदा भी होता है कि आप एक ही मोबाइल फोन में बिना कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे पैरेलल मल्टीस्पेस या इस तरह के एप्लीकेशन है जिनका इस्तेमाल करके एक अलग व्हाट्सएप जो अकाउंट है वो क्रिएट करते हैं, तो आप विदाउट एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के आप दो व्हाट्सएप जो है या दो व्हाट्सएप के नंबर जो है या दो व्हाट्सएप के अकाउंट जो है वो एक ही मोबाइल फोन में इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी अलग अलग नंबर्स के साथ। तो काफी ज्यादा दोस्त जो है वो इस बारे में पूछ रहे थे कि नॉर्मली व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस में क्या डिफरेंस है, इनमें क्या फर्क है। तो आज की वीडियो में मुझे उम्मीद है कि उनको ये चीज समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।